सत श्री अकाल, मैं अरिना मान तुम देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। तो इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाले के कतल के शूटर के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिन्हों कि पटियाला हाउस कोर्ट तो मानसा अदालत में लिया गया, जिथे कि उन्होंने रिमांड हासिल किया गया। 8 दिन का रिमांड मानसा अदालत वालों दिता गया, जिस तो बाद अज उन्हों का 8 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो गया, जिस तो बाद मुड़ तो अज उन्होंने मानसा की अदालत में पेश किया जाएगा। सब तो पहला इन्हों अंकित सेसा और सचिन भिवानी इन्हों दोनों का सब तो पहला मैडिकल किया जाएगा। मैडिकल करने तो बाद इन्हों मुड़ तो अदालत में पेश किया जाएगा, तो देखना होगा कि अज अदालत वालों इन्हों उत्ते की फैसला सुनाया जाता, कि इन्हों होर रिमांड पर भेजा जाता है या फिर होर कोई सुनवाई की जाती है, यह देखना होगा। सो एक बार फिर तुम दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड के जुड़ी हुई सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाले कतलकांड के गिरफ्तार किए गए शूटर अंकित सेरसा और सचिन भिवानी का अज 8 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो गया। अज मुड़ तो उन्होंने मानसा की अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट तो ट्रांजिट रिमांड से मानसा लिया गया, मानसा अदालत में पेश किया गया, तो उसका पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तो इन 8 दिनों के पुलिस के वलों सिद्धू मूसेवाला कतलकांड को लैके उन्होंने पूछगिछ की गई, जिस तो बाद अज रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ तो अदालत में पेश किया जाएगा। सब तो पहला इन्हों का मैडिकल करवाया जाएगा, मैडिकल करवाने तो बाद ही अदालत में इन्हों लिया जाएगा। सो दस दिए कि सिद्धू मूसेवाले कतलकांड को लैके लगातार पुलिस के वलों पूछगिछ की जा रही है, वड्डे खुलासे होने की शंका भी जताई जा रही है, जिस करके इन्हों शूटर का रिमांड हासिल किया जा रहा है। जेकर इस तो पहले की गल की जाए तो इस तो पहला जोड़ा कि दो शूटर का एनकाउंटर पुलिस के वालों किया गया, उस तो बाद हूँ जोड़े होर शूटर ने जिन्होंने गिरफ्तार किया गया उन्होंने तो पूछ पड़ताल लगातार जारी है। तो हले भी एक शूटर दीपक मुंडी जो कि लगातार फरार है, पुलिस वालों उसकी भी भाल की जा रही है, जल्द तो जल्द उसको गिरफ्तार करने की गल कही जा रही है कि उसको भी जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके परिवारक मैंबरों के वालों लगातार मांग की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाले के कातलों जल्द तो जल्द फड़ के गिरफ्तार करके उन्होंने सलाखों के पिछे भेजा जाए, तो ही सानू इंसाफ मिल सकता। दो शूटर का जोड़ा एनकाउंटर होया से उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले के पिता का बयान भी सामने आया, जिस कहना है कि दो शूटर के मारे जाने वाले मेरा पुत्र जोड़ा वापस नहीं आ सकता, पर इंसाफ की गल उन्होंने की है कि सानू इंसाफ मिलने की उम्मीद जरूर है। सो देखना होगा कि जिस तरीके पुलिस वालों अपनी कार्रवाई की जा रही है, आने वाले समय के आखिर होर की वड्डे खुलासे हो सकते हैं। सत श्री अकाल, मैं अरिना मान तुम देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। तो इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाले के कतल के शूटर के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिन्हों की पटियाला हाउस कोर्ट तो मानसा अदालत में लिया गया, जिथे कि उन्होंने रिमांड हासिल किया गया। 8 दिन का रिमांड मानसा अदालत वालों दिता गया, जिस तो बाद अज उन्होंने 8 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो गया, जिस तो बाद मुड़ तो अज उन्होंने मानसा की अदालत में पेश किया जाएगा। सब तो पहला इन्हों का अंकित सेसा और सचिन भिवानी इन्हों दोनों का सब तो पहला मैडिकल किया जाएगा, मैडिकल करने तो बाद इन्हों मुड़ तो अदालत में पेश किया जाएगा, तो देखना होगा कि अज अदालत वालों इन्हों उत्ते की फैसला सुनाया जाता, कि इन्हों होर रिमांड पर भेजा जाता है या फिर होर कोई सुनवाई की जाती है, यह देखना होगा। सो एक बार फिर तुम दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड के जुड़ी हुई सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाले कतलकांड के गिरफ्तार किए गए शूटर अंकित सेरसा और सचिन भिवानी का अज 8 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो गया। अज मुड़ तो उन्होंने मानसा की अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट तो ट्रांजिट रिमांड से मानसा लिया गया, मानसा अदालत में पेश किया गया, तो उसका पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तो इन 8 दिन के पुलिस के वलों सिद्धू मूसेवाला कतलकांड को लैके उन्होंने पूछगिछ की गई, जिस तो बाद अज रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ तो अदालत में पेश किया जाएगा। सब तो पहला इन्हों का मैडिकल करवाया जाएगा, मैडिकल करवाने तो बाद ही अदालत में इन्हों लिया जाएगा। सो दस दिए कि सिद्धू मूसेवाले कतलकांड को लैके लगातार पुलिस के वलों पूछगिछ की जा रही है, वड्डे खुलासे होने की शंका भी जताई जा रही है, जिस करके इन्हों शूटर का रिमांड हासिल किया जा रहा है। जेकर इस तो पहले की गल की जाए तो इस तो पहला जोड़ा कि दो शूटर का एनकाउंटर पुलिस के वालों किया गया, उस तो बाद हूँ जोड़े होर शूटर ने जिन्होंने गिरफ्तार किया गया उन्होंने तो पूछ पड़ताल लगातार जारी है। तो हले भी एक शूटर दीपक मुंडी जो कि लगातार फरार है, पुलिस वालों उसकी भी भाल की जा रही है, जल्द तो जल्द उसको गिरफ्तार करने की गल कही जा रही है कि उसको भी जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके परिवारक मैंबरों के वालों लगातार मांग की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाले के कातलों जल्द तो जल्द फड़ के गिरफ्तार करके उन्होंने सलाखों के पिछे भेजा जाए, तो ही सानू इंसाफ मिल सकता। दो शूटर का जोड़ा एनकाउंटर होया से उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले के पिता का बयान भी सामने आया, जिस कहना है कि दो शूटर के मारे जाने वाले मेरा पुत्र जोड़ा वापस नहीं आ सकता,
पर इंसाफ की गल उन्होंने की है कि सानू इंसाफ मिलने की उम्मीद जरूर है। सो देखना होगा कि जिस तरीके पुलिस वालों अपनी कार्रवाई की जा रही है आने वाले समय के आखिर होर की वड्डे खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह रीना धीमान की रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानों की गल, नवी खेती मशीन बीजा ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।